जस्ट इंडिया शिफ्ट हुई हूँ और मैं इंडिया के गुजरात के राजकोट सिटी में हूँ और आज हम विज़िट करने आए हैं चौकीदानी। चौकीदानी का नाम मैंने जयपुर में सुना था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजकोट में भी चौकीदानी है, तो आज मैं आपको विज़िट कराने जा रही हूँ चौकीदानी। तो चलिए चलते हैं अंदर। और मैं आई हूँ आज अपनी न्यू फ्रेंड्स के साथ, जो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी सारी फ्रेंड्स आते ही मिल गई। तो चलिए विज़िट करते हैं। चौकीदानी में है एक साईं बाबा का मंदिर, तो हम विज़िट करने वाले हैं पहले साईं बाबा का मंदिर, क्योंकि हमें हर चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए भगवान के दर्शन करके। तो चलिए चलते हैं भगवान के दर्शन करने और फिर करते हैं हम विज़िट की चौकीदानी। पहुँच गए हैं चौकीदानी के साईं बाबा मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कैसा है साईं बाबा का मंदिर। आइए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजकोट सिटी से चौकीदानी की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर। तो अगर आप राजकोट आ रहे हैं तो चौकीदानी विज़िट करना ना भूलेगा, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो अभी हम हैं साईं बाबा के मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर है, तो ये भी आप ज़रूर विज़िट करिए। ये चौकीदानी की एंट्री से नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप विज़िट करना ना भूलिए अगर यहाँ आ रहे हैं तो। साईं बाबा की यहाँ पे स्टैचू है बहुत बड़ी सी, और चारों तरफ जो ग्लास के डोर्स एंड विंडो लगे हैं उधर से ग्रीनरी दिख रही थी, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये मंदिर। और ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत फ्रेश फ्रेश सारे ट्रीज एंड फ्लावर लग रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ सब फ्रेंड्स खड़ी हैं, डिस्कशन चल रहा है कुछ। यहाँ पर कोकोनट ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोकोनट मिलते भी बहुत हैं यहाँ पर। सो ये है द्वारका माई, जहाँ पे साईं बाबा रहते थे उसकी एक यहाँ पे झलक दिखाई है, उसी की द्वारका माई की यहाँ साईं बाबा की स्टैचू है, ये उनके भक्त हैं। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं चौकीदानी के गेट में। तो यहाँ की टिकट का प्राइस है ओनली जस्ट 100 रुपीज़। तो अभी हम जस्ट टिकट बाय करके आगे चलेंगे। एक्चुअली हम डे टाइम में इसलिए आए थे क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएं, क्योंकि हाँ हम लड़कियां तो फ़ोटो के लिए क्रेज़ी होती हैं और रात में फ़ोटो एक्चुअली अच्छे आते भी नहीं हैं। तो थोड़ी सी गर्मी थी, अदरवाइज़ अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो देखिए ये जो वॉल बनी हुई है, इस तरह की वॉल मैंने एक स्विट्ज़रलैंड में भी देखी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। फ़ोटोज़ के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये। और ये जो स्टॉल्स वगैरह हैं, कुछ स्टॉल्स अभी ओपन नहीं हुई थी, 6 बजे के बाद सब कुछ एक्चुअली ओपन होता है, लोग भी 6 बजे के बाद ही आते हैं क्योंकि इस टाइम गर्मी भी रहती है। और ये है हॉर्स की राइडिंग एंड कैमल राइडिंग भी थी, और बैल राइडिंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन उस दिन नहीं थी। और एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे साइड में बना रखा है इन लोगों ने। और स्टॉल्स काफ़ी थी, और कुछ कोविड की वजह से अभी जो ये लोग करते हैं कुछ राजस्थानी डांस, फोक डांस वगैरह, उस दिन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है जो मैं बात कर रही थी, गणेश जी का छोटा सा मंदिर उन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए कैमल राइडिंग भी स्टार्ट 6 बजे के बाद ही हुई थी, हम लोगों भी करना था लेकिन हम लोग लेट हो गए। और पूरे चौकीदानी में लालटेन लगी हुई हैं जो रात को जलने लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और ये पूरा चौकीदानी राजस्थानी कल्चर का बनाया हुआ है। तो ये है एक फ़ोटो पॉइंट, बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो कराए यहाँ पर। तो ये है चौकीदानी का एक अच्छा सा फ़ोटो पॉइंट, तो आप जा रहे हैं तो यहाँ पर फ़ोटो कराना मत भूलिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं फूड स्टॉल्स, तो देखिए फूड भी बहुत चीप है, तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पैसे की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि इतना सब चीप है, तो जो भी मिले खाते जाइए बस और मज़ा लेते जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये आप क्या बना रहे हैं भैया? कितने का है? इसमें कलर भी होता है ना, कुछ पिंक पिंक वो नहीं खाने का होता है, लेकिन कलर अभी मना किया है कंपनी ने डाल ने, ये कंपनी है ना जो कि जाने ने मना किया कलर। अच्छा, थैंक यू। तो आप लोग किस चीज का आनंद ले रहे हैं? गुड़िया के बाल नहीं, गुड़िया के बाल का आनंद ले रहे हैं, गुड़िया के बाल। यहाँ हम लोग चाट पकौड़ी, कॉटन कैंडी, गोले वाली आइसक्रीम और सब खाकर बड़ा मज़ा कर रहे थे। और अब सभी को फ्रेश होने जाना है, तो अगर कोई बाहर से आ रहा है और उसको फ्रेश होना है तो डोंट वरी, यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं
और पूरा चौकी धानी राजस्थानी कल्चर में रंगा गया है, पेंटिंग्स वगैरह तो बहुत अच्छा है, विलेज टाइप को लुक दिया गया है, हर तरफ ग्रीनरी है, लालटेन्स हैं, लालटेन्स रात में जलाए जाते हैं, तो ऐसा लगेगा आपको कि किसी बहुत ब्यूटीफुल से आप विलेज में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। सो दिस इज़ अ पपेट शो जिसको हिंदी में बोलते हैं कठपुतली का खेल। तो ये देखिए पपेट शो, इट विल बिगेन इन अ फ्यू मिनट्स। तो हमने देखा था, सो यहाँ स्टार्ट हो रहा है पपेट शो। और थोड़े ठुमके ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ आप भी इंजॉय करिए पपेट शो। रिजर्व प्रॉपर्टी बट हम लोग यहाँ पर आ गए फ़ोटो खिंचाने। हम लोगों ने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे फ़ोटो नहीं कराए, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट फ़ोटो कराने आए हैं। सो पूरी प्रॉपर्टी चौकी धानी की राजस्थानी रंग में रंगी हुई है। सो अभी हम वॉकिंग कर करके थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, और हमने अपना खाने के लिए भी टेबल बुक कर दी थी डिनर के लिए, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद और आगे है हम लोगों ने घूमा। तो यहाँ पर है एक पॉटरी पॉइंट और ये बना रहे हैं कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट आर्ट। अभी हम आ गए हैं नृत्य कला भवन में। नृत्य कला भवन मीन्स डांस रूम। तो यहाँ एक छोटा सा डिस्को था जहाँ हमने बहुत इन्जॉय किया। उपाला तो यहाँ पे चल रहे थे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग, कुछ राजस्थानी सॉन्ग, कुछ गुजराती सॉन्ग। सो यहाँ ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं गरबा, जो मुझे नहीं आता लेकिन मैं जल्द ही इन लोगों से सीखने वाली हूँ गरबा। सो यहाँ हो रहा है कुछ मैजिक दिखाने वाले हैं। यहाँ पर है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट, तो अपना हाथ दिखाओ और अपना भविष्य जानो। तो बस अब विजिट हो गई है पूरी चौकी धानी की। अब कूदने लगे हैं पेट में चूहे, तो अब हम जा रहे हैं पेट पूजा के लिए। तो ये है वो हॉल जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है इन लोगों का, रेस्टोरेंट। सो वी हैड बुक्ड पंजाबी थाली। आपको हर तरह का यहाँ पर खाना मिल जाएगा, और खाना बहुत टेस्टी था और कम स्पाइसी था लेकिन बहुत अच्छा था। और ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन भी पूरी राजस्थानी लुक की ही की गई है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मैंने लंदन में देखा था कि वहाँ पे लोग स्टार्टर में
खाने के साथ वाइन लेते हैं, और हमारे आगरा में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ के लोग पीते हैं शुद्ध देसी चीज़ जो है बटर मिल्क। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो डिनर हो गया है फिनिश, वी इंजॉयड अ लॉट, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ईच अदर, और हम लोग बस अब यहाँ से निकलेंगे। हमें तो बहुत मज़ा आया, अगर आपको भी राजकोट आ रहे हैं तो ज़रूर चौकीधानी विजिट करिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज के वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।